क्या, लेकिन आज सुबह जब देखा मैं बहुत खुशी हो गया, खुशी सार हुई। के साथ मिल गया तो अभी बहुत खुशी महसूस। हमारे पास ये पेशेंट आए हैं जो कल आए थे उड़ीसा से, और कल मैं इमरजेंसी के कारण इनसे नहीं मिल पाया, तो इनसे पूछते हैं इनको क्या प्रॉब्लम थी और ये हमारे से कैसे ढूंढा, और फिर हम इनसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे। सर मैं यूट्यूब में ऐसा बेस्ट हैंड सर्जरी में ऐसा ढूंढ रहा था, तो अभी मैं मतलब 2 साल से मेरा ऐसा हुआ है था, लेकिन मैं अभी 6-7 महीना से ऐसा बहुत ट्राई किया, गांव में दिखाया, बाद में किधर भी सक्सेस नहीं पाया। क्या चोट कैसे लगी थी आपको? वो क्रिकेट से कीपिंग कर रहा था, क्रिकेट बॉल कीपिंग कर रहे थे। अच्छा, तो बाद में मैं बेस्ट हैंड सर्जन को ऐसा ढूंढने लगा यूट्यूब पर, क्रोम पर ऐसा। ठीक है, तो फिर आपने हमसे मिल लिया। हाँ, तो आपका नाम ऐसा आया तो मैं उसकी तरफ फिर से देखना शुरू किया एक एक वीडियो, तो उसमें बस बहुत मतलब अट्रैक्टिव हुआ, मेरी जैसा पेशेंट है वो बहुत अच्छे से मैसेज करके गया है। तभी मेरे को भी लगा मैं भी उधर आया जाके कुछ मैं भी बेस्ट हो सकता हूँ मेरा फिंगर का। तो फिर आप जब हमसे यहाँ पर मिले तो फिर आपको कैसा लगा? तो बहुत खुश हुआ सर, अभी मैं जब ऐसा ढूंढ ढूंढ के मतलब मैप ये वगैरह से ही इधर पहुँच गया गूगली मैप से, तो मैं आपको मिल नहीं पाया कल आके, मतलब तो थोड़ा दुख महसूस किया, लेकिन आज सुबह जब देखा मैं बहुत खुशी हो गया, खुशी सार के साथ मिल गया तो अभी बहुत खुशी महसूस। अब ये बताओ जब हमने आपका ऑपरेशन कर दिया तो कोई दर्द हुआ आपको? नहीं सर, बहुत अच्छा फील हो रहा है, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला ऑपरेशन, कोई पता नहीं चला ना। ठीक है, तो जैसा मैं उसमें दिखाता हूँ बिल्कुल वैसे ही था, ऐसा ही था। ठीक है, पूरा सही। और आप हमसे ऑपरेशन करा के खुश हो या दुख से? सर आपने जो जो ठीक है वो पूरा खोल के बोल दिया, कैसा होना क्या करना है, तो बहुत अच्छा लगा सर। तो सर आप अपनी उड़ीसा की लैंग्वेज में अपने वहाँ के लोग जो जिनको भी हाथों की प्रॉब्लम होती है, जो इतने जैसे आपको 2 साल लग गए, और आप अपनी उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? हाँ, उड़ीसा रे तो एमती नहीं जाए हाथ और एमती चिकित्सा पे, मुँह भी बहुत जगार देखेली किंतु सेती सक्सेस पाई पारलेनि, तेणु जे भी उड़ीसार भाई मैंने अच्छा मानने भाई भौणी मैंने कौन से प्रॉब्लम अच्छी ताले सार अमित मिथाल सार को आसी बस देखा करो तो एक बार तो निश्चय सक्सेस मिलेगा। तो इनके द्वारा हम ये बताना चाहते हैं कि क्रिकेट बॉल से बहुत लोगों को चोट लगती है और फिर उनके जॉइंट टूट के दूर चले जाते हैं, और फिर उनको स्प्लिंट या कोई भी बैंडेज बांध दी जाती है, और फिर उनको बताया जाता है कि आप एक्सरसाइज करो, जॉइंट दूर पड़ा है, और आप जब एक्सरसाइज करते हो तो जॉइंट का सरफेस ख़राब हो जाता है, जैसे कि इनके साथ हुआ। जब ये मेरे पास आए थे तो ये मूवमेंट के लिए आए थे, तो मैंने इनको बिल्कुल सच खोल के बिल्कुल क्लियर बताया था, और यही मेरा फ़ायदा है कि मैं इनको ज़बरदस्ती कोई इंजेक्शन, कोई एक्सरसाइज, कोई दवा और ऑपरेशन करके ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ऐसा मैंने इनको बिल्कुल नहीं बोला। मैं इनको जो सच था, जो इस वर्ल्ड में जो बेस्ट ट्रीटमेंट है, वो मैंने इनके लिए किया। इनकी उंगली बिल्कुल टेढ़ी थी, आगे भी झुकी हुई थी, उसको मैंने करेक्ट कर दी, वायर से उसको फिक्स कर दिया, और ये प्लास्टर है 3 दिन बाद निकल जाएगा। दवाई इनको मैंने सिर्फ 3 से 4 दिन की दी है, और उसके बाद इनको टांके अभी उड़ीसा के हैं, लेकिन अभी यहाँ से गोवा जाएंगे, वहीं पे टांके खुलवा देंगे इनके, और वीडियो के थ्रू हम इनसे बात करते रहेंगे, कोई भी दिक्कत होगी तो हमसे बात कर सकते हैं, और सारा काम करने के लिए अलाउड है। तो जब भी ऐसी कोई चोट लगती है जो लेट हो जाते हैं, तो लेट इसलिए नहीं होते कि आपको डॉक्टर नहीं मिल पा रहे, शायद आप अपनी प्रॉब्लम को छोटा समझते हो इसलिए ऐसा होता है, क्योंकि हाथों की जितनी भी प्रॉब्लम वो इतनी बड़ी होती हैं कि आप इसी से ही काम करते हो, और जब भी कोई प्रॉब्लम होती है और लेट हो जाते हैं तब आपको पता चलता है सर अब हम वो नहीं हो सकता हमारा मूवमेंट। तो ये वीडियो इसलिए अवेयरनेस के लिए बनाया गया कि कभी भी आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो आप स्पेशलिस्ट से मिलें, और जो भी बेस्ट होगा वो आपका अच्छा करेंगे। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मित्तल हैंड माइक्रोसर्जरी सेंटर में आपका स्वागत है। ये वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि अगर आप डॉक्टर अमित मित्तल को जयपुर आकर दिखाना चाहते हैं तो आप हमारे सेंटर पर कैसे आए। हमारा सेंटर जयपुर में है, जिसका एड्रेस 121 122 SR कॉम्प्लेक्स, टैगोर नगर चौराह, DCM रोड, जयपुर, राजस्थान है। यदि आप किसी बस द्वारा आते हैं तो आपका डिपो सिंधी कैंप बस स्टेशन होगा, जिसकी दूरी हमारे हॉस्पिटल से 20 मिनट्स 8.4 किलोमीटर है। यदि आप किसी रेल द्वारा आते हैं तो आपका स्टेशन जयपुर जंक्शन स्टेशन होगा, जिसकी दूरी हमारे हॉस्पिटल से 14 मिनट्स 7.4 किलोमीटर है। यदि आप प्लेन के माध्यम से आते हैं तो एयरपोर्ट से हमारे हॉस्पिटल की दूरी 9.5 km है। सभी प्लेटफॉर्म पर आपको टैक्सी, बाइक आदि की सुविधा मिल जाएगी, जैसे ओला, उबेर या लोकल टैक्सी, उसके माध्यम से आप यहां आ सकते हैं। अगर फिर भी आपको किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर संपर्क कर सकते हैं, या आप गूगल पर डॉक्टर अमित मित्तल दाल के लोकेशन प्राप्त कर सकते हैं।